भाई विकास गुप्ता ने फाइनली कर दिया वही काम जिसके लिए उनको हर सीजन में भेजा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। मेरा नाम है अंकुर, आप मुझे कहां ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। हाँ भाई, विकास गुप्ता को हमने देखा है कि उनको मास्टरमाइंड कहा जाता है और बिग बॉस भी उनकी इस इमेज का पूरा फायदा उठाते हैं। हर साल वो घर के अंदर आते हैं और बाहरी दुनिया का कुछ ऐसा खुलासा किसी कंटेस्टेंट के बारे में कर देते हैं कि हलचल मच जाती है। पिछले साल हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने आसिम रियाज के बारे में बाहर से आकर खबरें दी थी कि उनकी जो कोई उनके लिए कोई जो लड़की है वो ऑलरेडी बाहर इंतजार कर रही है, और यहाँ आसिम रियाज जो है वो हिमांशी से अपना चक्कर चला रहे हैं, और उसके बाद काफी बवाल हुआ था। और अब प्रोमो दिखाई दे रहा है कि बिग बॉस के सीजन 14 में एक बार फिर से विकास गुप्ता ने कुछ ऐसा ही काम किया है। यहाँ विकास गुप्ता अभिनव को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कविता कौशिक और उनके हस्बैंड ने, स्पेशली उनके हस्बैंड ने सोशल मीडिया पर आकर ये कहा है कि आपको सीवियर अल्कोहलिक प्रॉब्लम्स थी, आप कविता कौशिक को कॉल किया करते थे, मैसेज किया करते थे, गलत टाइम पर मिलने के लिए फोर्स किया करते थे। इसके अलावा कविता कौशिक ने आपको रोकने के लिए काफी बार पुलिस को भी बुलाया है, और ये भी कहा गया कि उन्होंने अपनी आपकी फिल्म की शूटिंग के लिए अपना घर आपको दिया था। इसके बाद अभिनव शुक्ला जो है वो आग बबूला हो जाते हैं और वो रुबीना के पास जाते हैं और रुबीना को ये सब बताते हैं, और रुबीना डबल आग बबूला हो जाती है, और रुबीना यहाँ कहती हुई नजर आ रही है कि मैं घर से बाहर निकल कर, यानी कि बिग बॉस के घर से बाहर निकल कर फोन बाद में लूंगी, पहले ये मैटर सॉल्व करूंगी कि भाई ये क्या मसला है। यहाँ अभिनव भी काफी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और सरप्राइज नजर आ रहे हैं, और रुबीना भी काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। यहां पर कविता और उनके हस्बैंड रौनित पर ये इल्जाम लगाए हैं विकास गुप्ता ने। हालांकि ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि वाकई कविता के हस्बैंड रौनित ने सोशल मीडिया पर आकर ये खुलासा किया था, और यही बात विकास गुप्ता ने अभिनव को बताई है, जिसके बाद रुबीना अब अलग मूड में दिखाई दे रही है और अब उनको घर के अंदर से ज्यादा घर के बाहर जाने के लिए इंतजार है, ताकि वो इस बात की सफाई ले सके और इस बात पर कोई क्लैरिटी ले सके और इस बात को रफा दफा कर सके। अब देखते हैं क्या होता है, आगे क्या हलचल होगी, ये तो भाई आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।